नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध में किसानों के आंदोलन को 28 अगस्त को 9 महीने पूरे हो जाएंगे और किसान अभी भी कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो दिल्ली के सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हिलेंगे। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन में फूट पड़ने की खबरें सामने आई हैं। दरअसल किसान यूनियन के दो पक्षों में तकरार इस कदर बढ़ गई है कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है। राकेश टिकैत के करीबी शमशेर सिंह राणा ने अपने ही संगठन के नेता धर्मेंद्र मलिक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शमशेर सिंह राणा ने इस संबंध में गाजियाबाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 14 अगस्त का है, जब किसान तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। आपको बता दें कि शमशेर सिंह राणा और धर्मेंद्र मलिक दोनों ही राकेश टिकैत के करीबी हैं और इन दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि कौन राकेश टिकैत का ज़्यादा करीबी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से कह दिया कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। BKU के दो गुटों में आई इस तकरार को संगठन में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये फूट आंदोलन को कमज़ोर कर सकती है। आपको बता दें कि शमशेर सिंह राणा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी हैं। उन्होंने संगठन के ही धर्मेंद्र मलिक के खिलाफ गाजियाबाद के कौसम्बी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शमशेर सिंह राणा ने कहा है कि धर्मेंद्र मलिक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ये चौथी बार है जब धर्मेंद्र मलिक की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी और अपशब्द सुनने को मिले हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन संगठन अपने आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत का आयोजन करेगा। इस महापंचायत में BKU के अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।